और
राम मन मनाउन दा संकल्प दिता जिस विच विश्व दे सारे लोकां नूं मानवता प्राप्त हो। इसी को समान विश्व भाईचारा मान प्रेम प्रभु प्रेम और सारी मानवता सुखपूर्वक रह सके लोकतंत्र समाजवादी मिले सी। ऐसे महान जगत गुरु सतगुरु जी महाराज समुची मानवता को सदैव बख्श करते हैं। प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कहते रबदार छुट गो गबन गुण के हरनू केवल ते केवल प्रेम की रस्सी नाल बन्या जा सकता है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने अमृत बाणी की शुरुआत इतों की तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कैसी सर्वच वस्ता कि हर जी आप विच और मेरे विच और आप विच कोई अंतर नहीं है। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी प्रभु दे अगे बेनती करते हैं कि हर जी मैंने आपनू प्रेम की रस्सी नाल बन लिया है, हूँ आप कि जतन करके छुट्टोगे भाव आप छुट नहीं सकते। जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तो बांधे अपने छुटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। हे हर जी जेकर आपने संसारी जीवन मोह रूपी फाही विच बन्या सी तां असी आप जी नूं प्रेम दे बंधन विच बन लिया है, हुण तुसी अपने छुटन दा यतन करो क्योंकि असी आप दी आराधना कीती आप प्रेम दे बंधन विच बज गए और असी प्रभु जी संसारी बंधना तो छुट के आप दे नाल जुड़ गए हाँ क्योंकि आपने सच्ची प्रेमा भगती आराधना कीती है। और ऐसा प्रेम मीन पकड़ फाक्यो और काट्यो रांद कियो बहवानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ न विसरियो पानी। जिमें मछली दा पानी नाल टुट प्रेम है फंदक मछली नूं पकड़दा पानी चो बाहर कढ लैंदा और उसनूं दो पार कीता जांदा छोटा छोटा कीता जांदा और अनेक प्रकार नाल रिन्या जांदा उस तो बाद जीव उसनूं चित चित के खांदा। देखो मछली छिन छिन हो जांदी जीव दे पेट में चल जांदी पर उसनूं पानी नहीं भुलदा क्योंकि जिहड़ा जीव मछली खांदा उसनूं बहुत देर लगदी है। जैसे मछली दा पानी नाल टुट प्रेम है ऐसी प्रीति हर दे नाल जीव दी होनी चाहीदी है। कहा पयो जो तन प्यो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। जगत गुरु रविदास महाराज जी हर जी के चरणा कमलों में बेनती करते हैं कि हर जी भावें मेरा शरीर छिन छिन टुकड़े टुकड़े हो जाए मैनू इस गल की कोई परवाह नहीं पर मेरे मन विच्चों आप जी का कभी प्रेम ना जावे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी प्रेम कैसा सतगुरां ने धारण दित्ती जो तुम गिरवर तो हम मोहरा जो तुम चन तो हम पहें चकोरा। जिमें हरियावले पहाड़ के नाल मोर का प्रेम है चंद्रमा नाल चकोर का प्रेम है क्योंकि जो पहाड़ी मोर है वह हरियावले पहाड़ से आनंदित हुंदा है चंद्रमा के दर्शन करके चकोर आनंदित हुंदा है। इस प्रकार जिन्हां जीवां दी सच्ची हरना प्रीति है वह हमेशा ही आनंदमय अवस्था में रहिंदे हन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां दे करोड़ां पैरोकार विश्व भर में वसते हैं जिन्हां नूं रविदासिया धर्म विश्व भर में धार्मिक पहचान मिली है और अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की पूरे विश्व के लिए मानवी अधिकारां दा दस्तावेज है जिसनों पढ़ के सरवण करके उपदेशां ते चल के संतां महापुरशां दी संगत में जाके और जो उन्होंने उपदेश बख्शिश कीते हन अज्ञानता कर्मकांडां दा अडंबरां दा त्याग करके जीव अपने अंदर ज्ञान दा प्रकाश करता है
ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।